नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। न्यूज 18 पूरे भारत से लगातार कोरोना वायरस से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है। देश में 21 दिन का लॉकडाउन है, आप भी नियमों का पालन करें और खुद को सुरक्षित रखने के लिए घर में ही रहें। न्यूज 18 इंडिया हर घंटे कोरोना बुलेटिन भी आप तक पहुंचा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे संसद में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। खबर है कि शुरुआत में बैठक में शामिल होने से इंकार कर रही टीएमसी भी इसमें शामिल होगी। टीएमसी की ओर से सुदीप बंदोपाध्याय बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया गया कि विपक्ष के नेता इस बैठक में सांसद निधि को 2 साल के लिए सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठा सकते हैं। तो आज ये बैठक काफी अहम है। सुबह 11 बजे पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विपक्ष के नेताओं से बातचीत करेंगे और इसमें अब टीएमसी भी शामिल होगी, क्योंकि पहले खबरें ये थी कि टीएमसी इस बैठक में शामिल नहीं होगी, लेकिन अब टीएमसी की तरफ से सुदीप बंदोपाध्याय शामिल होंगे। इसके अलावा जो सांसद निधि को सस्पेंड किया गया है 2 साल तक, इसका मुद्दा भी विपक्ष इस बैठक में उठा सकता है। और जो लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है, उससे पहले प्रधानमंत्री की ये विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए काफी अहम है। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। विक्रांत, ये बैठक पीएम मोदी की विपक्ष के नेताओं के साथ काफी अहम है, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें विपक्ष के कौन कौन से नेता शामिल हो रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लगभग सभी फ्लोर लीडर्स इसमें शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद जो लोकसभा और राज्यसभा के नेता हैं, इसके अलावा तमाम राजनीतिक दलों के जो भी फ्लोर लीडर्स हैं, जिनको लीडर ऑफ अपनी पार्टी का जो उन्होंने संसद में नेता बनाया हुआ है, वो सभी नेता इसमें शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि पीएम 7 RCR अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री हितेश चंद अवस्थी जी, प्रदेश के पुलिस महानिदेशक फायर आर के विश्वकर्मा जी, अग्निशमन विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों, प्रदेश के अंदर अग्निकांड की घटनाओं को रोकने के लिए हमें प्रदेश के अंदर लगभग 350 जो तहसीलें हैं, उनमें से आधी तहसीलें ऐसी थीं जिनमें फायर टेंडर नहीं थे। विगत 3 वर्ष के दौरान चरणबद्ध तरीके से इन्हें आगे बढ़ाते हुए अब तक कुल 130 तहसीलें मात्र ऐसी रह गई थीं जिनमें फायर टेंडर अब तक नहीं थे। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम 66 ऐसी तहसीलों में फायर टेंडर की स्थापना और उनके इक्विपमेंट को वहां पर स्थापित करने की कार्रवाई को पूरा करने जा रहे हैं। शेष जो तहसीलें बचेंगी उनको भी हम अलग अलग चरणों में अग्निशमन के उपकरणों से युक्त करते हुए अग्निकांड की घटनाओं को पूर्ण विराम लगाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। एक कार्यक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया एक महामारी कोरोना की चपेट में है। पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना वायरस को पूरी तरह परास्त करने के लिए आम जन की सहभागिता से लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है।
लॉकडाउन की इस कार्रवाई में जहां प्रत्येक नागरिक अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर रहा है, वहीं साथ ही साथ लॉकडाउन की इस अवधि का उपयोग हम स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की दिशा से कर सकें, इसमें स्वास्थ्य विभाग, हमारे ग्राम पंचायतें, नगर निकाय, ये सभी लोग पहले से ही इस पर कार्य कर रहे थे। मैंने आज से लगभग 10 दिन पहले प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह को इस बारे में कहा था कि अगर हम लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का उपयोग भी सैनिटाइजेशन के लिए कर सकेंगे तो एक बड़ा कार्य और समयबद्ध ढंग से हम लोग हर एक गांव को, हर एक कस्बे को, हर एक शहर को पूरी तरीके से किसी भी प्रकार के विषाणु से मुक्त करने की कार्रवाई का हिस्सा बना सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से प्रदेश के अंदर ये जितने भी फायर टेंडर्स हैं, सभी प्रदेश के अंदर सैनिटाइजेशन के कार्य के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुड़ रही हैं। और आज इनके साथ ये 66 नए फायर टेंडर इनके साथ जुड़ रहे हैं जो अत्याधुनिक उपकरणों से युक्त हैं और किसी भी प्रकार की विषाणु अवरोधक कार्य को करने के लिए या उसको समाप्त करने के लिए जो छिड़काव होना है, इस सैनिटाइजेशन के इस कार्य के साथ ये गाड़ियां भी तत्काल जुटेंगी। तो इस दौरान प्रदेश के अंदर कोरोना के खिलाफ जिस एक लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें हमें सफलता प्राप्त होगी। मैं इसके लिए प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, डीजी फायर और इस विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने समयबद्ध ढंग। दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें यह दावा किया गया है कि तबलीगी जमात के लोगों को क्वारंटीन करके रखे गए एक सेंटर के भीतर से यूरिन से भरी बोतल फेंकी गई है। पुलिस के मुताबिक द्वारका में बने क्वारंटीन सेंटर में तबलीगी जमात के लोगों को रखा गया है। बताया गया है कि सेंटर के बाहर जहां पुलिस वालों को तैनात किया गया है, वहां एक यूरिन से भरी बोतल फेंकी गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, काफी चौंकाने वाला ये वीडियो है, पुलिस ने जो वीडियो जारी किया है, यूरिन से भरी बोतल फेंकी गई है, क्या है इस वीडियो की सच्चाई? देखिए, जिसमें सबसे अहम चीज तो यह है कि क्योंकि ये यहाँ पर जिस जगह पर 16B में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया था, यहाँ पर निजामुद्दीन के उन जमातियों की कुछ यहाँ पर संख्या रखी गई थी जो 150 से ज्यादा है, और इन लोगों को वहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान यहाँ पर जो तैनात लोग थे उन्होंने ये पुलिस को बताया कि 7 तारीख की शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास ये बोतल्स फेंकी गई है जिसमें यूरिन रखा गया है, और उसको नुकसान उससे हो सकता है, किस तरह का कोई उससे परेशानी हो सकती है, इसको लेकर यहाँ पर शिकायत दी गई थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया है और अज्ञात के खिलाफ किया गया है, क्योंकि अब तक वहाँ पर कोई CCTV फुटेज ऐसा नहीं मिला जिससे यह पता लगाया जा सके कि ये बोतल किसने फेंकी और किस जगह से आई। हालांकि 4-5 जो फ्लैट वहाँ पर है जो उस रूट पर है उनको वहाँ पर संदिग्ध माना गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि अभी जाँच की जा रही है और पूरे मामले की जाँच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर किस जमाती ने किस मकसद से ये सब फेंका। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पूर्वी अहमदाबाद में कोरोना के 8 हॉटस्पॉट की पहचान होने के बाद प्रशासन ने इस इलाके में लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी है, और इसी के तहत पूर्वी अहमदाबाद को पश्चिमी अहमदाबाद से जोड़ने वाले 3 ब्रिज बंद कर दिए गए हैं। जनक दबे हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। जनक, क्या है पूरा मामला? देखिए जसप्रीत, 3 नहीं लेकिन एक जो प्रमुख ब्रिज है जो नेहरू ब्रिज है जो अहमदाबाद पूर्व और अहमदाबाद पश्चिम को जोड़ता है, क्योंकि जसप्रीत जिस तरीके से जानते हैं कि अहमदाबाद में अब तक 83 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और 6 लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है। 8 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जो अहमदाबाद में वॉल सिटी एरिया जो पुराना अहमदाबाद है वहाँ पर है, तो ऐसे में पश्चिम अहमदाबाद के में जो अगर आवाजाही चालू रहती है अहमदाबाद पूर्व और पश्चिम में, तो वे संक्रमण का खतरा बढ़ता है, और जो ज़्यादातर जो मामले आए हैं वो स्थानीय संक्रमण के हैं, लोकल ट्रांसमिशन से हैं। ऐसे में प्रशासन ने उन हॉटस्पॉट को बाहर
भी सील किया है, वहाँ क्वारंटीन जोन घोषित किया है। तो पूर्वी अहमदाबाद में जो लोग हैं उनका संक्रमण पश्चिमी अहमदाबाद में लोगों से न फैले, ये देखने की जिम्मेवारी भी प्रशासन की, और इसके चलते जो नेहरू ब्रिज है उसको बंद कर दिया गया है। जसप्रीत, ब्राजील ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन दवा भेजे जाने की भारत की मदद की तुलना हनुमान और संजीवनी बूटी से की है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने कहा कि जिस तरह से हनुमान ने राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय से जड़ी बूटी लाई थी और जैसे जीजस ने बैटिम्यू को ठीक किया था, उसी तरह भारत और ब्राजील इस मुश्किल घड़ी में साथ हैं और सभी लोगों के लिए मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और नीरज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, भारत ने ब्राजील की इस दवा के जरिए मदद की है और ब्राजील के राष्ट्रपति ने जो ये तुलना की है और हनुमान और संजीवनी बूटी से तुलना की है, ये भारत के लिए एक अहम बात है। देखिए बिल्कुल, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जिस तरह से प्रभावी असर डाल रहा है कोरोना के मरीजों पे, उसके बाद ब्राजील और अमेरिका और कुछ देशों ने अनुरोध किया था, और आज हनुमान जयंती के मौके पर यह खबर आई कि हनुमान जी के संजीवनी से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की तुलना की, और ब्राजील के राष्ट्रपति ने अनुरोध किया था खुद फोन पर बातचीत करके राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की सप्लाई जो है वो ब्राजील को करे, और उसके बाद आंशिक तौर पे बैन हटाया गया था। और अब ये पद कहीं ना कहीं आज के दिन एक खास मौका है, हनुमान जयंती का है, और इस मौके पर हनुमान जी और संजीवनी से तुलना करना कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर में भारत के महत्व को बताता है, और कोरोना से लड़ाई में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की जो भूमिका और भारत की जो भूमिका होती है हो सकती है उसके महत्व को बताने वाला ये पत्र है। बिल्कुल नीरज, आज हनुमान जयंती है, इस मौके पर ब्राजील के राष्ट्रपति का ये कहना कि जिस तरीके से हनुमान ने राम के भाई लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय से जड़ी लाई थी वैसे ही भारत ने मदद की है, तो ये भी दर्शाता है कि अब बाकी दुनिया में जो भारत की परंपराएं रही है उसको लेकर के चर्चा हो रही है। देखिए बिल्कुल, भारतीय परंपरा की चर्चा हो रही है, और सबसे खास बात यह है कि कोरोना के इलाज में जिस तरह से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की भूमिका है उसमें पिछले 15 से 20 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत हुई, और इसमें से 7-8 देशों ने तो बहुत जोर देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया है कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पे से प्रतिबंध हटाए, और उसी के बाद अनुरोध से ही कहीं ना कहीं दुनिया को देखते हुए दुनिया में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के प्रति भारतीय एकजुटता के प्रदर्शन के तौर पे आंशिक तौर पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का प्रतिबंध हटाया गया था, और भारत भी ये मान रहा है कि हनुमान जी के संजीवनी बूटी की जो भूमिका थी लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था से जीवन देने में, वही स्थिति हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की है आज के दौर में कोरोना वायरस से निपटने में। बिल्कुल नीरज, और इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पीएम मोदी से बातचीत की थी और भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पर के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने पर विचार कर रहा है। ऐसे समय में ब्राजील का ये कदम उठाना और भारत की इतनी तारीफ करना, हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान से तुलना करना, ये वाकई काबिले तारीफ है, और भारत की अहमियत दुनिया भर में क्या है ये समझ में आती है। देखिए अहमियत क्या है वो इस बात को रेखांकित करता है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है भारत की तरफ देख रही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के आयात को लेकर, यानी अपने देश में आयात को लेकर और भारत से निर्यात को लेकर। भारत ने इसे प्रतिबंध लगाया था लेकिन कुछ देशों ने अनुरोध किया तो भारत ने कुछ आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटाया है, लेकिन लगातार नजर है भारत की भी इस महत्वपूर्ण दवाई पर, और ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब दूसरे देशों से मांग बढ़ेगी, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसे में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का महत्व भी बहुत है। तो इस पत्र के जरिए उन्होंने रेखांकित किया है कि इस दवाई का महत्व कितना है और इस वक्त भारत का महत्व दुनिया के लिए कितना है। करीब 30 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत से अनुरोध किया, जिसके बाद ही भारत ने आंशिक प्रतिबंध हटाया था इसके निर्यात को लेकर, लेकिन नजर रहेगी क्योंकि भारत का बार बार यह भी कहना है कि घरेलू मांग को देखकर ही हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का निर्यात किया जाएगा, और विदेश मंत्रालय और फार्मा सेक्टर की अनुशंसा पे, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय ये रिपोर्ट देता है कि कितनी जरूरत है भारत को, और भारत के पास अभी इसका स्टॉक काफी है, लेकिन भारत अपनी मांग को देखते हुए ही इस संजीवनी बूटी जिसे राष्ट्रपति ब्राजील के ने नाम दिया है इस संजीवनी बूटी का निर्यात करेगा, और इस पर भारत की भी नजर रहे। बिल्कुल, तो सबकी नजरें अब भारत पर टिकी हुई है इस दवा को लेकर। देश भर में कोरोना के केस बढ़कर 5,000 के पार हो गए हैं। सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र का है,
जहां कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1018 पहुंच चुकी है और अब तक कोरोना की वजह से 64 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अगर पूरे देश की बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के 773 मरीज सामने आए हैं। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 5194 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 35 मरीजों की मौत होने के साथ ही मौत का आंकड़ा बढ़कर 149 पहुंच चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे संसद में विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ एक अहम बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। खबर है कि शुरुआत में बैठक में शामिल होने से इनकार कर रही टीएमसी भी इसमें शामिल होगी। टीएमसी की ओर से संदीप बंदोपाध्याय बैठक में शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता इस बैठक में सांसद निधि को 2 साल के लिए सस्पेंड किए जाने का मुद्दा उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना वायरस से बचने के लिए पुलिस ने लोगों को जागरूक करने का अनोखा तरीका अपनाया। इसके लिए एक शख्स को यमराज की वेशभूषा देकर शहर की सड़कों पर पुलिस की गाड़ी में घुमाया गया। आइए हम लोग की शहर में आपको कराऊंगा, तेल की कढ़ाई में आपको तलूंगा। प्रशासन एसपी साहब ने कहलवा के भेजा है हमको, जो नहीं माने अपने हमारे इंडिया में कितने लोग मरे हैं। कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए पुलिस लगातार जागरूकता अभियान और कानूनी कार्रवाई कर रही है। उसी संदर्भ में आज हमने यमराज को प्रतीक के रूप में लेके आया है और यमराज समझा रहा है कि अगर घर से बाहर निकलेंगे और सुरक्षित रूप से रहेंगे तो कोरोना का संक्रमण होगा। कोरोना चूँकि एक जानलेवा बीमारी में है, सीधे यमराज के पास पहुँच जाएंगे, लोगों का बड़ा अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। लॉकडाउन के समय मास्क की कमी को देखते हुए यूपी के पीलीभीत में महिला पुलिसकर्मी मास्क बना रही है। ड्यूटी के समय ये सूती कपड़े के 3 लेयर मास्क बनाने के काम में लगी हैं। इन मास्क को धोकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब तक ये महिला पुलिसकर्मी करीब 2000 मास्क तैयार कर चुकी हैं। जनपद पीलीभीत की महिला पुलिसकर्मियों ने पुलिस लाइन में अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त समय में सूती कपड़े के 3 लेयर मास्क बनाने का बीड़ा उठाया है। रोजाना हम तकरीबन 2000 मास्क बनाने में सफल हो रहे हैं। पहले हम इनको पुलिस विभाग में वितरित करेंगे, उसके बाद जो भी अतिरिक्त हमारे पास होंगे उसे हम जनता में वितरित करेंगे। बिहार के भागलपुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना के कुल 6 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इन मरीजों को पूरी सावधानी बरतने के साथ ही अस्पताल से छुट्टी दी गई। कोरोना को हराकर लौटे लोगों ने अस्पताल के कर्मचारियों का शुक्रिया अदा किया। ठीक हो जाने पर खुशी भी जाहिर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पुलिस वालों के लिए बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार राज्य के हर पुलिसकर्मी का बीमा करवाएगी। हर पुलिस वाले का 50 लाख का बीमा करवाया जाएगा। सीएम योगी ने पुलिस वालों का बीमा करवाने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में पंजाब पुलिस के जवान अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर उतरेंगे। मोहाली में पुलिस के इन जवानों को कोविड कमांडो नाम दिया गया है। जो उन इलाकों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद के लिए पहुंचेंगे जहां कोरोना वायरस के फैलने का शक हो, जवानों को दी गई किट में शरीर के हर हिस्से को वायरस से बचाने का इंतजाम है। यहां तक कि जूतों को ढकने का इंतजाम भी किट में मौजूद है। कहीं पर कोई पॉजिटिव केस आया है और उसके आसपास के इलाके को सील करना है तो ये सब जो पंजाब पुलिस के जवान है जिनको कोविड कमांडो का नाम दिया गया है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर रहते हैं। कोरोना वायरस के किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना हो या किसी इलाके को सील करना हो या किसी को क्वारंटीन करना हो, हर तरह के हालात में पुलिस के जवानों की मदद ली जाती है। इसलिए कोशिश की जा रही है कि पुलिस वालों को बीमारी की चपेट में आने से बचाया जा सके। हमें ये नहीं पता कि लड़ाई कितनी लंबी है। इस लड़ाई में आपको बने रहने के लिए आपको सोसाइटी के लिए अपने आप को भी सेफ रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। हैदराबाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद उत्तम रेड्डी ने सफाई कर्मचारियों का फूलों से स्वागत किया, उनके पैर धोकर उनका सम्मान किया। लेकिन उत्तम रेड्डी इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना भूल गए। इस मौके पर सफाई कर्मचारियों समेत कई लोगों की भीड़ दिखाई दी जो काफी पास खड़े नजर आए। इस मौके पर उत्तम रेड्डी ने सफाई कर्मचारियों को संबोधित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया, लेकिन लोगों को 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहने के नियम का पालन भी नहीं किया गया। तो आप देखिए सफाई कर्मचारियों का यहाँ पर हौसला तो बढ़ाया,
सांसद उत्तम रेड्डी ने उनके पैर धोए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना वो भूल गए। कांग्रेस के सांसद हैं उत्तम रेड्डी और हैदराबाद में उन्होंने सफाई कर्मचारियों के पैर धोए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। राजस्थान के कोटा में लॉकडाउन में सख्ती का संदेश देने के लिए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस बीच पुलिस की गाड़ियों का काफिला कोटा के उन इलाकों से भी गुजरा जहां कर्फ्यू लगाया गया है। फ्लैग मार्च के समय पुलिस ने लोगों को कोरोना से बचने के लिए घरों में रहने की अपील की। बड़ी संख्या में सड़क पर निकले पुलिस वालों ने भरोसा दिलाया कि जरूरत की चीजें घरों में ही मुहैया करवा दी जाएंगी, इसके लिए लॉकडाउन तोड़कर बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। यूपी में कोरोना के खतरे को देखते हुए अब फ्यूमिगेशन टनल और सैनिटाइजेशन केबिन के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इनकी मदद से बाहर निकले लोगों पर दवा का छिड़काव कर कोरोना के फैलने का खतरा कम किया जा सकता है। और गाजियाबाद जिले में तो इस तरह के केबिन अलग अलग जगहों पर लगाए जा रहे हैं। इनमें अंदर जाने पर दवा का छिड़काव शुरू हो जाता है, इस तरह शरीर और कपड़ों पर जो कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। गाजियाबाद में पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों के बाहर इस तरह के सैनिटाइजेशन केबिन लगाए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर फ्यूमिगेशन टनल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टनल भी लोगों को सैनिटाइज करने का काम करता है। मेरठ में तो कैंटनमेंट बोर्ड की तरफ से कम लागत में सैनिटाइजेशन केबिन बनाया गया। बोर्ड के सीईओ ने बताया कि जल्द इस तरह के और केबिन और टनल बनाए जाएंगे जिन्हें सरकारी दफ्तरों और सब्जी मंडियों के बाहर लगाया जाएगा। हम पब्लिक के लिए अगर इस तरीके का अगर टनल बना सकते हैं तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं और हम अगले एक हफ्ते में इस तरीके के दो टनल हम शुरू कर लेंगे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जिस मुस्कुराएगा इंडिया वीडियो की पीएम मोदी ने तारीफ की है, उसके गीत को लिखने वाले पूर्वी चंपारण के कौशल किशोर हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया है। जिस तरह से आप लोगों ने, दर्शक लोगों ने इसको अपनाया है वो बहुत ही भावुक करता है मुझे। नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है गाना, प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, शेयर किया है, तो ये हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारा हौसला बढ़ाता है और मैं इसी तरह से चाहूंगा कि आप लोग प्यार देते रहें हम लोग को। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मदद के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया है। उन्होंने भारत की इस मदद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को एक महान नेता बताया। उन्होंने अमेरिका को दवा भेजे जाने के फैसले को एक अच्छा कदम बताया है। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस ड्रोन की मदद ले रही है। इस ड्रोन में ऑडियो सिस्टम भी फिट किया गया है जिससे लगातार लोगों से घर पर ही रहने की अपील की जा रही है। ड्रोन से कोरोना वायरस के खतरे के बारे में भी बताया जा रहा है। लॉकडाउन के बावजूद धारावी में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ये जो ड्रोन उड़ा रहे हैं ये मुंबई पुलिस की तरफ से उड़ा रहे हैं और इसमें बार बार आह्वान कर रहे हैं कि सब पब्लिक अपने अपने घर में रहे। इस ड्रोन में कैमरा विथ साउंड लगा हुआ है जिससे पब्लिक को अलाउंस कर रहे हैं और ये आवाज सुन के बहुत से पब्लिक अपने घर की तरफ जा रहे हैं। भोपाल में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे डॉक्टर ने अपने परिवार को इस वायरस से बचाने के लिए अपनी गाड़ी को ही अपना घर बना लिया है। डॉक्टर का नाम सचिन नायक है जो भोपाल के जेपी अस्पताल में काम करते हैं। और अस्पताल में जब काम पूरा हो जाता है तो वो अपने घर जाने के बजाय अपनी गाड़ी में ही जाकर लेट जाते हैं। कोरोना को हराना है और हराने के लिए जो सबसे ज्यादा डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं और भोपाल के डॉक्टर सचिन नायक, देखिए घर बन गया है इनका, इनकी गाड़ी में, इनकी कार में। कोरोना के खतरे को देखते हुए डॉक्टर सचिन नायक ने अपनी गाड़ी को ही अपना घर बना लिया है। इसके लिए उन्होंने कुछ किताबें, लैपटॉप और जरूरत का सामान भी गाड़ी में रखा हुआ है। पहले जैसे बिस्तर की जरूरत थी रात को तो मैंने बिस्तर का अरेंजमेंट किया, फिर जैसे दिन में मैं ड्यूटी के बाद जैसे बोर होता तो फिर मैं अपनी किताबें साथ लेके आ गया और बाकी जो भी जनरल रोज ड्यूटी आफ्टर ड्यूटी जो जो चीजें लगती है अपने फ्रेशअप के लिए वो सब मैं अपने साथ धीरे धीरे कैरी करने लग गया और ये अपना सिस्टम अपने आप बन गया।
मध्य प्रदेश के खरगोन में एक ही परिवार के 8 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया। ये सभी लोग उस व्यवसायी के परिजन हैं जो दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल होकर 4 दिन पहले ही घर लौटा था, जिसके बाद व्यवसायी की मां की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। वहीं खरगोन में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। चीन के वुहान में 11 हफ्तों की बंदी के बाद पहली बार लॉकडाउन खोल दिया गया है। वुहान शहर में सबसे पहले कोरोना शुरू हुआ था और कहा जाता है कि वहीं से दुनिया भर में कोरोना फैला। पिछले 2.5-3 महीने में वुहान में कोरोना की सबसे बड़ी मार पड़ी है, लेकिन पिछले 24 घंटे में वुहान में कोरोना के संक्रमण की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। कोरोना का कहर शुरू होने के बाद चीन में सिर्फ वुहान ही बचा था जहाँ लॉकडाउन जारी था। जैसे ही वुहान में लॉकडाउन हटाया गया, वहाँ सड़कों पर गाड़ियाँ दौड़ने लगीं। चीन के अधिकारियों को अब उम्मीद है कि वुहान में कोरोना के संक्रमण पर काबू पा लिया गया है और अब इसे फैलने से रोका जा सकता है। महावीर जयंती के मौके पर भले ही जैन मंदिरों के दरवाजे श्रद्धालुओं के लिए बंद रहे, लेकिन जैन समुदाय के लोगों ने इस मौके को जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने के अभियान में बदल दिया। बड़ी संख्या में लोग अपने समुदाय से जुड़ी संस्थाओं में श्रमदान के लिए पहुंचे और खाना पहुंचाने के अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राजकोट में जैन समुदाय से जुड़ी अरहम युवा सेवा संस्था ने जरूरतमंदों तक रोटियां पहुंचाने का बीड़ा उठाया। बढ़ती मांग की वजह से रोटी बनाने वाली मशीनों की संख्या 1 से बढ़कर 4 हो चुकी है और इनकी मदद से रोज 33,000 रोटियां उन संस्थाओं तक पहुंचती हैं जो गरीबों तक खाना पहुंचाती हैं। अभी तक हमने 4 लाख रोटियां बनाकर सर्व कर दी है और हमारा आगे का जो भी प्रशासन जब तक लॉकडाउन रखेगा तब तक हम ये यज्ञ चालू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। राजकोट के बोलबाला ट्रस्ट ने भी पूरे जिले में खाना बांटने का अभियान छेड़ दिया है। खाना तैयार होने के बाद ट्रस्ट के कार्यकर्ता मोटरसाइकिल पर उन ठिकानों के लिए निकल पड़ते हैं जहां जरूरतमंदों को उनका इंतजार रहता है। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है ये किचन तब से चालू है, कंटिन्यूस पूरे डिस्ट्रिक्ट में यहां से खाना जाता है। सूरत में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भले ही मंदिर के कपाट बंद देखकर कुछ पल के लिए निराश हुए, लेकिन वहां पहुंचे जैन समुदाय के श्रद्धालुओं ने इस मौके पर गरीबों को खाने पीने का सामान बांटा। हरियाणा के पलवल में लगातार सामने आ रहे कोरोना पॉजिटिव मामलों के बाद प्रशासन ने कमर कस ली है। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। इस दौरान जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनको सजा के तौर पर कुछ इस तरह से बीच सड़क पर ही कान पकड़कर उठक बैठक तक करवाई जा रही है। हरियाणा के पलवल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पुलिस ने खासी सख्ती बरती है उन लोगों पर जो बिना किसी कारण लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं ये कान पकड़कर उठक बैठक करते लोग वो हैं जो कोरोना वायरस की गंभीरता को नहीं समझते, जो देश के प्रधानमंत्री और देश के तमाम बड़े राजनेताओं की अपील को खारिज करते हैं और बिना किसी कारण के ना सिर्फ अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं सड़कों पर आकर के, बल्कि अपने प्रियजनों की जान को भी खतरा दे रहे हैं। और इसी वजह से पलवल में क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े भी हैं, पुलिस अब वाकई में सख्त हो गई है। आप देख रहे हैं कि पुलिस समझा भी रही है और जरूरत पड़े तो सजा भी दे रही है। जितनी भी मस्जिदें हैं वहां पे अभी भी चोरी छुपे नमाज पढ़ी जा रही है। मैं कह दूं कि अगर आप लोग बाज नहीं आओगे, मैं एपिडेमिक जो एक्ट है उसके अंदर भी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उसके तहत जो विभिन्न धाराएं हैं आपराधिक उसके तहत हम मुकदमे दर्ज कराएंगे और ख़ास तौर से जो इमाम तबका है उनको भी पता है कि जब इस तरह की वबा फैली हो, ऐसी आपदा आई हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, तो मस्जिदों में नमाज ना पढ़ करके घरों में अदा कर लें। लेकिन कहीं कहीं आप लोग चोरी छुपे इसका उल्लंघन करवा रहे हो, हमारी नज़र में है सारी चीज़ें, CID से हमारे पास इनपुट है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के हम योजना बना रहे हैं। गुजरात के भरूच में लॉकडाउन के दौरान फलों और सब्जियों के थोक बाजार APMC को पूरी तरह से बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके बाद बाजार में लोगों की भारी भीड़ लग गई। लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर खरीदारी करते नजर आए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुकानदार भी नुकसान से बचने के लिए अपने गोदाम में पड़े सब्जी और फलों को सस्ते दामों पर बेचने लगे। लोगों की भीड़ के बारे में जैसे ही पुलिस को पता चला वो मौके पर पहुंची और लोगों को बाजार से हटाया गया।
इससे पहले जिला प्रशासन ने 14 अप्रैल तक भरूच की थोक मार्केट को बंद करने का आदेश जारी किया था। ये तस्वीरें जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से उसकी धज्जियां उड़ाते हुए भरूच की सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देखिए पुलिस की भी गश्त वहां जारी है। दरअसल जैसे ही गोदाम से फल सब्जियां सस्ते दाम पर निकली, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए बाजार बंद होने से, क्योंकि व्यापारी भी परेशान है। इसीलिए जैसे ही लोगों की वहां आवाजाही हुई, व्यापारी भी अपना सामान लेकर पहुंच गए। चेन्नई में पुलिस कमिश्नर ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। ऐसे में वो बिना किसी दिक्कत के काम कर पाएं, इसलिए चेन्नई के पुलिस कमिश्नर खुद सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के बीच पहुंचे और अपनी तरफ से उन्हें मास्क और सैनिटाइजर बांटे। साथ ही गर्मी के इस मौसम में पुलिस वालों को जूस भी दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि मास्क और सैनिटाइजर बाजार से नहीं खरीदे गए, बल्कि पुलिस विभाग ने ही इन्हें बनाया है। We are also ensuring that the policemen are given adequate equipment to protect themselves. कमिश्नर पुलिस वालों ही नहीं बल्कि मीडिया कर्मियों के बीच भी पहुंचे और उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और जूस दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरोना से लड़ने के लिए अमेठी की SP ने खास टीम का गठन किया है। पुलिस विभाग और स्वास्थ्य विभाग को मिलाकर बनाई गई इस टीम का नाम है COVID-19। अमेठी में कहीं से भी अगर कोरोना के मरीज की कोई खबर आएगी तो ये टीम तुरंत वहां पहुंचेगी और पूरी सावधानी के साथ ऐसे मरीजों के इलाज में मदद करेगी। इस टीम को पुलिस के खिलाफ लोगों के गुस्से और दुर्व्यवहार से निपटने के लिए भी ट्रेन किया गया है। कोरोना से जारी जंग के बीच छत्तीसगढ़ के किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ना तो खेतों से फल और सब्जियां वो तोड़ पा रहे हैं और ना तो उन्हें बाजार में भेज पा रहे हैं। हालत ये हो गई है कि सैकड़ों हेक्टेयर में लगी केले की फसल खराब होती जा रही है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, और किसानों को भारी घाटे का अंदेशा सताने लगा है। कभी कभार फुटकर बाजार में फलों को भेजा जा रहा है, लेकिन उससे किसानों को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है। 2-3 घंटे से मंडी खुल रहा है, अगर मंडी कम से कम 7-8 घंटे खुले तो मंडी में भीड़ कम होगा, जिससे कि COVID-19 की फैलने की समस्या कम। अब मेरे पास केला रेडी, मैं भेज नहीं पा रहा हूँ मंडी, उसके कारण मैं खराब हो जा रहे हैं, गिर गिर के काले पड़ जा रहे हैं धूप में। इतनी धूप ज्यादा है कि पूरे काले हो जा रहे हैं केला। अपन कुछ कर नहीं सकते इसके ऊपर, इसके सरकार को कुछ करना चाहिए इसके पीछे। लॉकडाउन के दौरान जानवरों को भी खाने पीने की चीजों के लिए भटकना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में हाईवे के किनारे रहने वाले बंदर भी खाने के लिए तरस रहे हैं। ऐसे ही बंदरों की मदद के लिए कुछ लोगों ने खाने पीने की चीजों का इंतजाम किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए जानवर, खास करके वो जानवर जो सड़क पर यूं ही भटकते रहते हैं छत्तीसगढ़ के कांकेर में, उन पर भी दया दिखाते हुए लोग उन्हें खाने पीने की कुछ चीजें दे रहे हैं। यूपी के अमरोहा में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस वालों पर लोगों ने फूलों की बारिश की। लॉकडाउन का पालन कराने और लोगों में भरोसा बहाल करने के लिए पुलिस ने अमरोहा में फ्लैग मार्च किया। और जैसे ही ये पुलिस वाले एक मोहल्ले में पहुंचे, लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उन पर फूलों की बारिश करने लगे। कुछ लोग सड़क पर खड़े होकर पुलिस वालों पर फूल बरसाने लगे, जबकि कई लोग अपने घरों की छतों पर खड़े होकर उन पर फूल फेंकते दिखे। इस दौरान एक आदमी पानी की बोतलों को इन पुलिस वालों में बांटता नजर आया। ऐसे में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा। तो यहाँ के सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर हम फूल वगैरह से आज पुलिस का स्वागत करते हैं और उन लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। लोगों से मिले इस सम्मान पर पुलिस वालों ने भी हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद दिया। कुछ लोगों ने पुष्प वर्षा की है और काफी अच्छा माहौल है। पुलिस वालों पर फूल बरसाने से वहां सड़क पर फूलों की चादर बिछी दिखी। राजस्थान के करौली में लॉकडाउन के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई दिखती रही। लॉकडाउन में गरीबों के खाते में सरकार की तरफ से डाले गए पैसे निकालने के लिए लोग घरों से बाहर निकल आए और बैंकों के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। ये देखिए लाइन लगी हुई है बाहर। इस बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया। सूचना मिलने पर पुलिस की भीड़ वाले इलाकों में पुलिस को तैनात किया गया। ये राजस्थान के करौली की तस्वीरें हैं और बैंक के बाहर लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। गुजरात के वडोदरा में
लॉकडाउन की वजह से बंद पड़ी एक इंडो अमेरिकन फैक्ट्री अपने खाली बैठे कारीगरों से मास्क बनवा रही है। कीमती कालीन बनाने वाली इस फैक्ट्री के कारीगर अब मास्क सिलकर गांव में बांटने का काम कर रहे हैं। इन कारीगरों को सिलाई मशीन और मास्क वाला कपड़ा मुहैया करा दिया गया है, जिसके बाद कंपनी परिसर में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क सिलने का काम जारी है। सऊदी अरब में सड़कों पर मौजूद लोगों के शरीर का तापमान मापने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब में कोरोना के करीब 2800 मामले सामने आ चुके हैं और ऐसे में इस नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ। कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामलों को रोकने के लिए वहाँ ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। सऊदी अरब के अधिकारी एक खास तरह के ड्रोन की मदद से लोगों की जांच करते नजर आए। बताया गया कि इंफ्रारेड कैमरे से लैस ये ड्रोन लोगों के शरीर का तापमान दर्ज कर अलर्ट भेज सकता है। एक वीडियो में ये ड्रोन नीचे खड़े लोगों की जांच करता नजर आया। ये ड्रोन एक कंप्यूटर से जुड़ा है, जिसकी मदद से उसे कंट्रोल करने वाले अधिकारी लोगों के शरीर का तापमान जान सकते हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए वहाँ राजधानी रियाद समेत कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लागू है, जबकि मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह भी बंद की जा चुकी है। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने लॉकडाउन का पालन सख्ती से करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन इस फ्लैग मार्च में ही नियमों का खुलेआम उल्लंघन होते दिखा। पुलिस और प्रशासन की गाड़ियों के साथ फ्लैग मार्च में आम लोग भी शामिल हो गए। कई बाइक पर सवार होकर लोग फ्लैग मार्च का हिस्सा बन गए और एक बाइक पर दो लोग सवार हो गए, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। इस दौरान लोगों ने हेलमेट भी नहीं पहनी हुई थी और पुलिस की मौजूदगी में ही वो नियम तोड़ते दिखाई दिए। तो राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, लेकिन इस दौरान नियम और कानून की धज्जियां कुछ ऐसे उड़ी देखिए कि लोग भी इस फ्लैग मार्च का हिस्सा बन गए। बाइक में सवार होकर के एक बाइक पर दो दो लोग सवार आपको दिखाई दे रहे हैं हल्ला करते हुए, और इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं पहन रखी है। इस तरह से पुलिस के फ्लैग मार्च में आम लोगों ने आकर एक तरह से रंग में भंग डाल दिया। लॉकडाउन के बीच लोगों से घर में रहने के लिए पुलिस अलग अलग तरीकों से अपील कर रही है। इसी कड़ी में कई जगहों पर यमराज की वेशभूषा में लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी एक पुलिस कर्मी ने यमराज के भेष में माइक लेकर लोगों से घर पर ही रहने की अपील की। घर से बाहर निकले तो निकालेंगे तुम्हारे दम। कोरोना कोरोना मेरा यमदूत है, उसको तुम्हारे। मैं अरुण कुमार तिवारी, झारखंड बोकारो से। मेरी उम्र 36 साल है। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूं कि कोरोना से बचने के क्या क्या उपाय हैं। मैं अविनीश कुमार धनबाद झारखंड से बोल रहा हूं। मैं जानना चाह रहा था कि कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। मेरा नाम हमीदुर्रहमान है, मेरी उम्र 36 साल है और मैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। और डॉक्टर साहब, हमें ऐसा क्या करें जो हमें कोरोना नहीं हो जाए। कोरोना ना हो या कोरोना से बचने के लिए तीन सरल उपाय हैं। एक, अपने हाथों को बार बार पानी और साबुन से धोए या हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। दूसरा, अपने हाथों से आंख, कान, नाक, चेहरे इत्यादि को बार बार ना छुए। और तीसरा, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, जितना हो सके अपने घरों में ही सुरक्षित रहे। मेरा नाम टुड्डू है, मुंगेर से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब से एक सवाल है, कोरोना इलाज के बाद फिर कोरोना हो सकता है? डॉक्टर साहब, मेरा नाम शाहिद खान है, मैं पीलीभीत का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र लगभग 35 साल है। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है, क्या कोरोना एक बार होने के बाद में अगर सिम्टम पाए जाते हैं तो क्या दोबारा भी हो सकता है कोरोना? चीन के वुहान शहर में ऐसे पाया गया है कि जिनको पहले कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका था उनको दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है। तो हाँ, कोरोना का दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए एक बार अगर कोरोना हो भी गया तो भी प्रिवेंटिव मेजर्स जो है उसको हम लोग लगातार इस्तेमाल करते रहे। दिल्ली के पास नोएडा के सेक्टर 8 की झुग्गियों में
कई लोगों को क्वारंटीन किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले झुग्गी में एक शख्स की तबीयत खराब हुई थी और बाद में टेस्ट करवाने पर उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद कल रात स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एहतियात के तौर पर कई परिवारों को वहां क्वारंटीन किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हनुमान जयंती के दिन सभी घर में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्होंने कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने की सलाह दी है। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि भगवान हनुमान का ध्यान करने से सारे संकट मिट जाते हैं और सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान इस महामारी के संकट को जल्द ही दूर करेंगे। हनुमान जयंती के अवसर पर हम सब अपने अपने घरों में हनुमान चालीसा का पाठ करें। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि दिल्ली से आए तबलीगी जमात के 50 से 60 लोग फोन स्विच ऑफ करके भाग गए हैं। गृह मंत्री ने चेतावनी दी है कि तबलीगी जमात के जो लोग भागे हुए हैं वो फौरन पुलिस के सामने सरेंडर करें और क्वारंटीन हो जाएं, नहीं तो पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। तो तबलीगी जमात के 60 लोग फरार हैं फोन स्विच ऑफ करके, कहां है मालूम नहीं। अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके चेतावनी दी है, उन्हें चेताया है कि वो फौरन खुद को पेश करें और क्वारंटीन हो, वरना फिर पुलिस को मजबूरन उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी होगी। 50 से 60 लोग पब्लिक के मरकज के। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मदद के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया किया है। उन्होंने भारत की इस मदद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को एक महान नेता बताया। उन्होंने अमेरिका को दवा भेजे जाने के फैसले को एक अच्छा कदम बताया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना से पॉजिटिव सीआईएसएफ और दूसरे अर्धसैनिक बलों के जवानों को लेकर फोन पर क्या बात की है वो हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जो तारीफ की है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा को भेजे जाने को लेकर, इसी पर हमारे संवाददाता से हम एक इनपुट लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, ये कल परसों की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप खासे नाराज थे और वो ये कह रहे थे कि अगर भारत ने मदद नहीं की तो प्रतिशोध होगा, और आज भारत की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि जिस दवा की सख्त जरूरत थी भारत ने मानवता के नाते वो दवा अमेरिका समेत बाकी देशों को भेजने का फैसला किया है। देखिए, बिल्कुल आंशिक तौर पे जो प्रतिबंध था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पे, उस प्रतिबंध को हटाया। और डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होगा कि 5 अप्रैल की बात है जब उन्होंने कहा था कि अगर भारत रिलीज नहीं करता है तो बदले की कार्रवाई होगी, रिटेलिएट करेंगे। लेकिन अब जबकि भारत ने यह आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटाकर जो यूएस की मांग थी उसको पूरा करने का फैसला किया, हालांकि घरेलू मांग को पर नजर रखी जा रही है भारत की तरफ से, अब ट्रंप के जो बयान आए हैं नए वो इसी वजह से है कि जो वहां मांग थी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के इलाज में इसका प्रभावी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का, वो अमेरिका में जिस तरह से 3 लाख से अधिक लोग मरीज अब तक कोरोना वायरस के हो चुके, तो उसमें इस दवा का बहुत महत्व है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। और आपको याद होगा नेहा कि पहले फोन पे बातचीत की थी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और उसके बाद उनका बदले की कार्रवाई वाला बयान आया था, और यह अब यह तारीफ वाला बयान, तो भारत की तरफ से ये साफ कहना है कि इस दौर में जब कोरोना वायरस की वजह से पूरा विश्व परेशान है तो एकजुटता दिखाते हुए भारत हर देश की मदद करेगा, लेकिन अपने घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए। नीरज, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि इस वक्त की बहुत अहम खबर है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा की मदद के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया किया है। उन्होंने भारत की इस मदद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी को एक महान नेता बनाया है। उन्होंने अमेरिका को दवा भेजे जाने के फैसले को एक अच्छा कदम बताया है। नीरज लगातार इस खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, भारत ने यह भी साफ किया है कि ये दवा भले ही अब प्रतिबंध हटा करके जो देश इस वक्त जरूरत में है अमेरिका सहित उनको दी जा रही है, लेकिन भारत की जरूरतों को सबसे पहले ध्यान में रखा गया है, यानी भारत में इसकी कोई कमी नहीं होगी और उसके बाद बाकी देशों की भी मदद की जाएगी, ये स्पष्ट कर दिया है भारत ने। देखिए, भारत ने किसी दबाव में इस दवा के निर्यात का आंशिक तौर पर प्रतिबंध हटाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि नेहा अगर हमें जो जानकारी मिली थी और हम लोग न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले इस खबर को चलाया था, ट्रंप के बयान से पहले, बदले की कार्रवाई वाले बयान से पहले ही भारत ने ये फैसला कर लिया था कि यूएस, ब्राजील और 6 से 7 ऐसे देश है जिनकी मांग अधिक थी, उनकी कुछ मांगों को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा सार्क के देश है, इंडोनेशिया है,
इसके अलावा कई दूसरे देश है, इसराइल है जिसको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की मांग थी, तो इन सब की मांगे कम थी तो उस पर भी भारत ने ध्यान रखा और उसके बाद ये फैसला किया कि न सिर्फ पड़ोसी देश बल्कि जिन देशों से मांग की गई है जिसमें यूएस और ब्राजील भी शामिल है उनकी मांग को पूरा किया जाएगा, लेकिन घरेलू मांग को ध्यान में रखते हुए लगातार हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन घरेलू मांग को पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है, किसी का कोई दबाव भारत के ऊपर नहीं है। और अब दवा भेजने के फैसले को लेकर अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के भटिंडा में एक एनजीओ ने कोरोना वायरस से लड़ाई में पुलिस के योगदान का अलग अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। एनजीओ के लोगों ने पुलिस पर फूल बरसाए और उनका मनोबल बढ़ाया। समाज सेवी संगठन के लोगों ने पुलिस वालों को गुलाब के फूल भी भेंट किए। सम्मान के बाद पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने ऐसे कार्यक्रमों को मनोबल बढ़ाने वाला बताया है। पंजाब के भटिंडा में देखिए किस तरह से आभार व्यक्त किया जा रहा है पुलिस के जवानों का, उनको माला पहनाई जा रही है, हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया जा रहा है। ये कोरोना के वो कर्मवीर हैं जो दिन रात एक करके लोगों को सुरक्षित बनाए रखने में जुटे हुए हैं। यूपी के सहारनपुर में लॉकडाउन के बीच नगर निगम की तरफ से करीब 50 लोगों को राशन बांटा गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया है। नगर निगम ने 300 लोगों को राशन और जरूरत का सामान बांटने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राशन लेने करीब 50 लोग ही पहुंचे। सरकार के निर्देशों पर गरीबों को राशन देने और लोगों की जरूरत को पूरा करने का ख्याल रखा जा रहा है। तो नगर निगम ने 50 लोगों को राशन दिया है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत साफ कर चुके हैं कि सीएम हेल्पलाइन पर कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए कि गरीबों को खाना नहीं मिल रहा है। और ये तस्वीरें देखिए, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए सफ़ेद घेरे बनाए गए, उसमें लोग खड़े हैं और मुंह पर मास्क लगा है अधिकारियों के, और इस तरह से गरीबों को राशन बांटा जा रहा है, राहत सामग्री बांटी जा रही है। तकरीबन 50 के करीब लोग उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पहुंचे राशन और ज़रूरी सामान लेने। पटना में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखा दी है। पुलिस देर रात भी चौकस है और सड़कों पर तैनात है, और घर से बाहर निकलने वालों को सजा भी दी जा रही है। जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस ने उन्हें मुर्गा बनाया, उठक बैठक करवाई, जबकि बाइक पर दो लोगों को बैठे देखकर पुलिस ने उनकी डंडे से पिटाई भी की है। तो पटना की तस्वीरें आप अपने सामने देख रहे हैं। अगर आप कोई वाजिब कारण नहीं बता पा रहे हैं कि आप घर से बाहर क्यों आए, तो बाकायदा लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। पटना में बाइक सवारों पर डंडे बरसाए गए, तो ये उठक बैठक की तस्वीरें, ये वो लोग हैं जो अपने साथ साथ पूरे देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया आपसे लगातार अपील कर रहा है, इन तस्वीरों को दिखाने का यही मकसद है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और इसी तरह हम इन पुलिस वालों की भी मदद कर सकते हैं, घर में रहकर कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकते हैं।